नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। और गाइस, मैं आपको बताऊंगी कि अब मकर संक्रांति के दिन हमारा जो क्षेत्र है बलवाकोट, उसके पास एक गांव है गो घाटी बगड़, जहाँ पे ये मकर संक्रांति कम से कम 50-60 सालों से मनाई जा रही है, जिसपे सभी हमारे रंग कम्युनिटी के लोग आपस में मिलते हैं। और हमारा जो जो क्षेत्रीय नृत्य है छोलिया नृत्य, जिसको हमारी शोका भाषा, हमारी शोका में हमारे रंग डांस कहते हैं, उसमें सभी लोग रंगा और चंगवाला पहन के नृत्य करते हैं। और सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं, इसमें वॉलीबॉल खेला जाता है, जिसमें कि प्रथम द्वितीय और तृतीय धनराशि भी दी जाती है। सो गाइस, इस बार 50वीं वर्षगांठ में घाटी बगड़ वालों ने एक नई चीज करी कि जितने हमारे दारमा वैली में हमारे गांव है, वो उसमें भागीदारी लेंगे और उसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड निकाला जाएगा, जिसमें सभी गांवों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। और आप ये देखेंगे कि बलवाकोट में मकर संक्रांति के दिन ही 15 तारीख को हर साल कुचिया मेला करके होता है, क्योंकि बलवाकोट पहले कुचिया के नाम से जाना जाता था, इसीलिए उनको कुचिया मेला का नाम दिया गया। सो गाइज, आज हम घाटी बगड़ गए और वहाँ पे हमने सभी नृत्य वगैरह देखे और मैं वो आपको दिखाऊंगी। सो अगर चलो, आप सभी का स्वागत है। आगे देखो यार, आप सभी को पुनः मकर संक्रांति वो अग्रिम गणतंत्र दिवस की शुभकामनाओं के साथ आज पहुंच चुके हैं छलिया। कुछ ही देर पश्चात बेशक और खेद व्यक्त करते हुए हम कहना चाहेंगे, हम तीन दोस्त मिल गए, और हमारे डॉक्टर साहब और हनी लंगोटिया याद है बाबा की। क्यों, मैं स्वागत करता हूं और अभिनंदन। अब मैं जी हाँ, इस बीच में बात और टीम ने जो अनुरोध कर दे, ग्राम सभा चल, ग्राम सभा चल के टीम कृपया आप अपना ताते बात जमला
वो भी सब लोगों ने हृदय को पात्र चाहते हैं ग्राम स्वराज आए भंडार के नीचे जितने भी छोटे छोटे बच्चे बैठे हैं यहाँ से हट जाए वाकई में कहीं ना कहीं आपने सभी को अपनी नृत्य के द्वारा आकर्षित कर चुके हैं। आप भी नृत्य के दर्शन के सामने लोगों का मुझे ऐसा लग रहा है बहुत बेहतरीन नृत्य। इससे पूर्व में भी वाकई में जबरदस्त झांकी हमारे बीच में दिखाई गई। आपका भी हार्दिक स्वागत। तो आप देखना होगा ग्राम सभा तीदंग किस प्रकार से आपका प्रदर्शन यहाँ पर रखते हैं। तो बालिक का अब तक का मुझे लगता है काफी अच्छा आपका भी जो प्रदर्शन रहा काफी सुखद रहा है। को हमारे बच्चे लोग सीखे तो जो
नांगलिंग के द्वारा जो बच्चों को सम्मिलित किया गया था, ये भी बहुत अच्छी बात है, क्योंकि बच्चे लोगों को ही हम अगर यहाँ से सिखाने में कामयाब होते हैं तो आगे चलकर हमें बहुत सारी सहजता होगी हमारे संस्कृति को सिखाने में, उसको सहजने में, उसको उत्थान में ले, तो वो भी स्वागत योग्य है जो नांगलिंग के द्वारा प्रयास किया गया। देखिए इतनी भीड़ लगी हुई है आज मार्केट में।